हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। होप यू ऑल गाइज आर वेरी गुड एंड डूइंग ग्रेट। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारियाँ चल रही होंगी, ऐसा हमारी उम्मीद है आपसे। और वी विश कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में। आप उसके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो गाइज ये बातें होती रहेंगी। इसके साथ ही मैं जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, नीट न्यूज़ जिसे हम बोलते हैं, तो वो ये है कि NTA ने, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, अनाउंस कर दिया है करेक्शन प्रोसेस। जो नीट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी जिनसे गलतियां हो गई थी, उसमें करेक्शन के लिए जो सुविधा मिलने वाली है वो नेक्स्ट वीक से मिलने वाली है। जनवरी 14 तारीख से करेक्शन फॉर्म एप्लीकेशंस के वो अवेलेबल हो जाएंगे उनकी साइट पे, और ये 31 जनवरी 2019 तक रहेंगे। तो वाइज़ अगर आपने कुछ गलतियां कर दी थी, आपको बाद में पता चली, वैसे जिन्होंने गलतियां कर दी थी, जिनकी कुछ करेक्शन करनी है, नीट ने पर्सनली उन्हें, इवन कैंडिडेट्स को ईमेल्स भेज के बोला है कि आपकी ये गलतियां आप इन्हें रेक्टिफाई करें। और तो आप जल्दी से कर लीजिए, जनवरी 14 से पोर्टल में आप ऑनलाइन कर सकते हैं, सारी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर में जो भी प्रॉब्लम्स है, NTA ने नोटिफाई कर दिया है स्टूडेंट्स को। और जिन बच्चों ने गलतियां करी है और अगर वो रेक्टिफाई नहीं करेंगे 31 जनवरी से पहले ऑनलाइन जाके, तो उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा NTA का कहना है। तो भाई ये थी आज की नीट न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और ऐसी फैक्ट वीडियोस, नीट और JEE बेस्ड फैक्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।